जय हिंद साथियों और साथियों, देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट ये सारे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन लेकर अभी आया हूँ वन लाइनर। तो बिना समय गवाए हुए, समय बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं आज जितने सारे क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे और अपना एक नोट्स बना लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो जितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी को पूरी टीम की ओर से ढेरों सारी शुभकामना है, बधाई है, खूब मेहनत करिए। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को थोड़ा जल्दी से शेयर करें, क्योंकि अभी ये लाइव क्लास चल रहा है, तो थोड़ा सा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। आप लोग थोड़ा सा शेयर करें बाकी ग्रुप में, आप टेलीग्राम जहां जहां जुड़े होंगे, व्हाट्सएप किसी ग्रुप में होंगे तो थोड़ा जल्दी से जुड़ेंगे। आप लोगों के लिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव चलाया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको पेड कोर्स लेना होगा टेलीग्राम पे, और ऑफलाइन क्लास चल रहा है, बिहार पुलिस की स्पेशल तैयारी चल रही है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। डीएनए का डबल हेलिक्स मर्डर दिया था किसने, डीएनए का डबल हेलिक्स मर्डर दिया था किसने, ये देखिए क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मर्डर दिया था किसने, तो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन ये है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक, ये दोनों ने मिलके डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, किसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी, और आपको यहां पर बताना होगा कमेंट करके, जितने सारे लोग देख रहे हैं, विटामिन सी का आपको देख रहे होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड का किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का, विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत कौन कौन है, विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत कौन कौन है आपको बताना होगा, विटामिन सी किस किस से प्राप्त किया जा सकता है, आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, ये किस क्रिया के कारण, तो किसी का तो क्रिया के कारण, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, केशिकत्व तो क्रिया के कारण, कौन सी क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो केशिकत्व क्रिया। अगला, लाल रुधिर कणिका में बनती है, लाल रुधिर कणिका कहां बनती है, आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। क्वेश्चन ये है, लाल रुधिर कणिका यानी खाली स्थान में बनती है, यानी लाल रुधिर कणिका कहां बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, शरीर में इंसुलिन को स्रावित, करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, thank you।
आपको आवाज हमारी जा रही है या नहीं जा रही है थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, क्योंकि एक बार बीच में आवाज अभी रुक गया था। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा पैंक्रियाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आपका हो जाएगा आंसर आंत। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। दांतों में क्या होता है? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो किस रोग से ग्रसित है? मायोपिया। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में उत्तल और नजदीक के लिए अवतल। बहुत बढ़िया। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है वह किस रोग से ग्रसित है? मायोपिया। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, बर्फ नहीं पिघला कर जब उसमें जिलेटिन मिलाया जाएगा। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन आपका होगा? भौतिक परिवर्तन। आवाज थोड़ी सी कट कट के जा रही है, इसको डायरेक्ट निकाल दो। कंफर्म करेंगे आप सभी एक बार पुनः आप लोग कमेंट के माध्यम से कि आवाज आपके पास जा रही है या नहीं जा रही है। सारे लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे, आप लोग एक बार आवाज पुनः कंफर्म करेंगे, आवाज जा रही है आप लोगों को? तो चलिए आगे देखते हैं। फैराडे का के नियम संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। गन धातु में होता है CuSn तथा ZN। गन धातु में होता है CuSn तथा ZN। गन धातु में होता है CuSn तथा ZN। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यानी तीनों में, अब आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के खोज करता और प्रोटॉन के खोज करता और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज किन लोगों ने की थी आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, आप लोग सारे लोग कमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन होता है, आप तीनों का आपको बताना है कि खोज करता। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका? एल्यूमिनियम का। किसे मार्स गैस कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसे मार्स गैस कहते हैं, तो आपको मीथेन को, मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस। मार्स से मार्स है, मार्स से मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा खाने बनाने में प्रयुक्त होता है का सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा NaHCO3, आप बताना है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। आप सभी को धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। ये ऐसे नहीं D2O होगा, ये D हो गया, 2 यहां हो जाएगा, O ऐसे होगा D2O। आगे देखते हैं, कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, रेयॉन। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, आपका आंसर हो जाएगा रेयॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर चालक के पीछे की वस्तु को देखता है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है कौन से दर्पण में, उत्तर दर्पण में यानी साइड मिरर। साइड मिरर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट यहां से लिख सकता है कि साइड मिरर यानी गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, उत्तर दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, और ये खाद्य पदार्थों की बात है, पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, पालक ये सब्जी है, पालक में। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है MgOH2। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग और विटामिन ए के लिए प्रचुरतम स्रोत कौन कौन है ये बताना है, बताओ खड़े रहो। विटामिन ए की कमी से होती है, प्रचुरतम स्रोत बताओ, प्रचुरतम स्रोत कौन से खाद्य पदार्थों में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा, और बताओ, और बताओ कुछ। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, जल्दी बताओ, तुम बताओ, गाजर बता दिया, अच्छा बहुत बढ़िया। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स, ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। गोदूध में पीलापन का कारण है कैरोटीन, गोदूध पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। बादलों की दशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र होता है, यहां से लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, नेफोस्कोप। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत, इसको क्या बोलते हैं, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत। कौन सा समूह, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्त दाता है, ओ। अब आपको बताना है ये सर्वाधिक रक्त दाता है, अब सर्वग्राही यानी सब कुछ लेने वाला कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताओ। बाकी सारे लोग कमेंट करेंगे, आप बताओ, ये तो दाता हो गया, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्त दाता है, ये तो देने वाला हो गया, वो सारे ब्लड ग्रुप को लेने वाला कौन सा है, वो बताओ, बताओ बताओ, कमेंट करेंगे बाकी सारे लोग, जल्दी से बताएंगे, बताओ। ए बी हो जाएगा, क्या होगा, ए बी। नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का कारण है भ्रूण आंतरिक प्रवर्तन, मृग तृष्णा बनने का कारण है भ्रूण आंतरिक प्रवर्तन।
श्रव परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति है। श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप या परत, क्या है, परत या लेप। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है 1.008 AMU। नेक्स्ट, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अब आपको एक क्वेश्चन यहां से मैं पूछूंगा, डायनेमो किसको किसमें परिवर्तित करता है, डायनेमो किसको किसमें परिवर्तित करता है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, डायनेमो किसको किसमें परिवर्तित करता है। प्राथमिक रंग कौन कौन है, आपको ये याद रखना होगा, लाल हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन है, लाल हरा और नीला। कौन सा सदिश राशि है, बल विस्थापन और त्वरण एक सदिश राशि है, बल विस्थापन और त्वरण सदिश राशि है। और आपको अभी यहाँ बताना है दो अदिश राशियों का नाम, ये दो आपको कमेंट करके बताना होगा, दो दो अदिश, वो तो सदिश हो गया, आपको दो अदिश राशियों का नाम बताना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कूलम बराबर होता है 1.6×10^19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1.6 यहाँ पे, सॉरी 1.6×10^19 यहाँ 19 हो जाएगा, आपको सुधार लेंगे, 1.6×10^19 कूलम इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। 1 मेगावाट होता है 10,00,000 वाट के बराबर, 1 मेगावाट दस लाख वाट के बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10,00,000 वाट के बराबर। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर कैसी दिखाई देगी, ये आपका क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ये होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के ले जाने और ले मानव शरीर में ऑक्सीजन के ले जाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं, तो हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं, तो हीमोग्लोबिन। इलिसा परीक्षण किया जाता है, अब आपको यह बताना होगा, इलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए, एड्स रोग किससे फैलता है आपको बताना होगा, जीवाणु विषाणु वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस से आपको बताना होगा एड्स किससे फैलता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%।
भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है आपको बताना है, इसका नाम है भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है त्वरण। अब बताना है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को, और कंप्यूटर के खोजकर्ता आपको बताना है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है और कंप्यूटर के खोजकर्ता आप सारे लोग कमेंट करेंगे। दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल लाल फास्फोरस। दिया सलाई के शीर्ष यानी जो हम लोग माचिस जलाते हैं उसके जो आगे वाला जो होता है शीर्ष माने भाग में वो होता है लाल फास्फोरस। मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका? तो लोहा का। मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका? लोहे का। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो साहब प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इससे पहले हमने पूछा था कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। एक क्वेश्चन आपको आगे मिल गया, प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। आदर्श गैस की स्थिति समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी होता है। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर एनआरटी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में है, आपको ये याद करना होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है साहब। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री। आगामी क्वेश्चन देखेंगे, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण है, पीला रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। पटाखों और बारूद में पीला रंग का